सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं प्रोबेबिलिटी के अगले वीडियो पर, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ में करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने बताया बेटा, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन के बराबर होता है। एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छा सीख लिया तो उससे रिलेटेड आप 1000 क्वेश्चन निकाल देंगे। देखो, ध्यान दो। मान लिया मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया है, मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मान लिया 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए है R1, R2, R3, ठीक है, और 2 ग्रीन बॉल्स हैं G1, G2। मतलब 3 रेड बॉल्स हैं इसमें, ठीक है, 3 हैं रेड बॉल्स और 2 क्या है बोलो, ग्रीन बॉल्स। ऐसा यहां पर है, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, है ना। मतलब रेड भी आपस में अलग अलग हैं। जो रेड हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि रेड और ग्रीन तो आपस में अलग है ही, इसमें कोई शक नहीं है भाई, रेड और ग्रीन तो आपस में अलग है। लेकिन क्या रेड भी आपस में अलग अलग है? तो यस, 3 रेड बॉल्स जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट है, और जो 2 ग्रीन बॉल्स हैं ये भी कैसे हैं बोलो, आपस में डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये है कि इफ थ्री बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, एट रैंडम, मतलब 3 गेंदें एक साथ निकाल ली गई, है ना। देखो कई बार ये लोग साइमल्टेनियसली नहीं लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख दें 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसके मतलब 3 गेंदें एक साथ निकाल ली गई। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 1 ग्रीन। देखो एक बात और समझना, जैसे अगर मैं खाली लिख दूं 2 आर रेड, तो इसका मतलब ऑब्वियस है 1 ग्रीन होगी। जैसे कई बार ऐसा भी होता है, 2 रेड लिख के छोड़ देते हैं, 3 बॉल्स आर ड्रॉन कहते हैं और कहते हैं 2 आर रेड, ये नहीं बताते कि 1 ग्रीन है। तो अगर 2 रेड है इसका मतलब 1 ग्रीन तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 2 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 5 गेंदे हैं, पांचों आपस में अलग अलग हैं। उसमें से हमने क्या किया, देखो 3 गेंदे निकाली, 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स हमने निकाली एक साथ। इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 2 गेंदे रेड हैं और 1 गेंद ग्रीन है, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो मैंने क्या बताया था, देखो ये सब मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक के सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं। देखो प्रोबेबिलिटी को स्टार्टिंग से देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में 3 वीडियो मैंने बेसिक के ही बनाए हैं, कि बेसिक आप समझिए थोड़ा सा, उसकी बहुत ज़रूरत है। स्टार्टिंग के 3 वीडियो जो मैंने बेटा अपलोड किए हैं वो सब बेसिक, बेसिक मतलब 11 का प्लस कुछ एक्स्ट्रा, जो 11 का प्रोबेबिलिटी है उसमें वो है प्लस कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो सब मिला के मैंने बेसिक उसको नाम दे दिया, है ना। तो स्टार्टिंग के जो 3 वीडियोज मैंने प्रोबेबिलिटी में अपलोड किए हैं वो सब बेसिक्स हैं, उनको ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि उनकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपका 11 वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, और खैर बाकी चीज तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। दो 2 रेड हैं और 1 ग्रीन बॉल्स हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हम, मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, NE/NS। देखो NS का मतलब क्या हुआ कि टोटल हमें 3 गेंदे चाहिए, कितने में से, 5 में से। टोटल हमें 3 बॉल्स चाहिए, कितने में से, 5 में से। तो NS का मतलब टोटल केसेस क्या हो जाएगा बोलो, 5C3। टोटल 5 गेंदे हैं, 5 में से हमको 3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बोलो, 5C3, है ना। NS टोटल गेंदे निकालने के तरीके, ठीक है, बिना परवाह करते हुए कौन सी क्या है। तो 5 मैंने बताया था, क्योंकि अलग अलग गेंदे हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, 5 डिफरेंट बॉल्स है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब देखो NE मतलब चाहते क्या है, चाहते हैं कि 2 रेड हो और 1 ग्रीन हो, तो 3 में से 2 रेड तो 3C2 और 1 ग्रीन तो 2 में से 1 ग्रीन तो 2C1, ठीक है। 3 में से 2 रेड, क्योंकि 2 रेड चाहिए आउट ऑफ 3 तो 3C2 और 1 ग्रीन चाहिए तो 2C1, ठीक है। देखो तो 5C3 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, क्या होता है NCR, क्या होता है N factorial R factorial N-R का factorial। देखो 5C3 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो देखो 10 हो गया। अच्छा देखो 3c2 की वैल्यू निकालो, 3c2 क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3 फैक्टोरियल को 3 कटेगा तो 3 बचेगा और ये 2 बचेगा, देखो इसका आंसर हो गया 6। तो देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ne कितना है 6/10, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आया इस क्वेश्चन का। तीन गेंदे निकाली, एक साथ निकाली, देखो 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक एक करके निकालते तो वो लिखता 1/1, ठीक है 1/1 नहीं लिखा, इसका मतलब एक ही साथ निकाली गई होंगी, और 2 रेड चाहिए और 1 ग्रीन चाहिए, तो देखो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बस समझे बोलो भाई, ठीक है ना, तो लिखो जल्दी इसको, है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो देखो ये मैं तुम्हें आज बॉल्स और बॉक्सेस वाले क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में पूरे, और ये हर क्वेश्चन हजार हजार क्वेश्चन के बराबर है, ध्यान देना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम बनेंगे, क्योंकि देखो अगर ताश की गड्डी में से पत्ते खींचेंगे तब भी यही सवाल बनेगा, उसको बताऊंगा अभी मैं, इसको लिखो पहले ध्यान से, ठीक है। देखो अब देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया है 6/10, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बोलो, 6/10 इसका आंसर आया, इसको लिख लेते हैं अलग से। अब मैंने क्या किया, देखो बॉक्स वही रखा, बॉल्स भी वही रखे, अब मैंने थोड़ा चेंज किया, अब मैंने किया 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, अब मैंने ये किया कि बॉल्स को 1/1 निकाला है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना, ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर वही क्या, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 1 ग्रीन, 2 रेड एंड 1 ग्रीन हमको चाहिए, बस समझे। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, बोलो, मैंने बताया था जब एक एक करके निकाली जाए तो कैसे करेंगे, देखो तो इसका मेथड क्या होगा, समझो ध्यान से, देखो हमें चाहिए अभी भी वही है, क्या चाहिए बोलो, 2 रेड और 1 ग्रीन चाहिए, तो देखो 2 रेड और 1 ग्रीन, तीन गेंदे निकाली, तो देखो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहली रेड हो, दूसरी रेड हो, तीसरी ग्रीन हो, ऐसा हो सकता है बोलो, या फिर प्लस और क्या हो सकता है, पहली रेड दूसरी ग्रीन तीसरी रेड हो सकती है, या फिर पहली ग्रीन दूसरी रेड तीसरी रेड हो सकती है, क्योंकि देखो तीन गेंदे निकाली एक एक करके और उनमें से हमें 2 रेड और 1 ग्रीन चाहिए, है ना, 2 रेड और 1 ग्रीन चाहिए और हमें एक एक करके निकालना है और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, तो पहली रेड हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, तीसरी ग्रीन हो सकती है, हो सकता पहली रेड दूसरी ग्रीन तीसरी रेड हो, या पहली ग्रीन दूसरी रेड और तीसरी रेड हो, ऐसा हो सकता है। अब देखो समझो, अगर पहली वाली बॉल रेड है तो देखो क्या होगा आंसर, सोचो जैसे एक गेंद निकालो और वो रेड हो, ऐसा समझो सवाल को, कि पहली वाली बॉल रेड, मतलब अब ऐसे सोचो कि हमने केवल एक बॉल निकाली है और वो रेड है, केवल एक बॉल निकालने पर रेड है, तो रेड कितनी है 3, तो 3c1, और टोटल कितनी है 5, तो 5c1, ये हुआ इसका आंसर पहली रेड का। अब देखो दूसरी भी रेड चाहिए, तो देखो हम गेंदों को कैसे निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल हमने निकाला उसको बाहर छोड़ दिया, फिर दूसरी बॉल को निकाला, तो अगर पहली रेड है इसका मतलब रेड को बाहर छोड़ दिया, एक रेड बॉल कम हो जाएगी, एक रेड बॉल कम हो गई और टोटल बॉल भी एक कम हो गई, क्योंकि एक को बाहर छोड़ दिया, अब रेड कितनी बची 2, तो 2 में से कोई एक आएगी 2c1 और टोटल 4 में से कोई एक आएगी 4c1, समझो ध्यान से। अब एक और रेड निकल गई उसको भी बाहर छोड़ दिया, अब तीसरी ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन तो उतनी ही है क्योंकि पहली दोनों रेड थी, तो ग्रीन बची 2 और टोटल गेंदे बची 3, तो बची कितनी 2c1/3c1, है ना, ये पहले पार्ट का आंसर हुआ, रेड रेड ग्रीन का ये आंसर हुआ, मतलब ये किस बात का आंसर हुआ कि पहली रेड है दूसरी रेड है तीसरी, अगर मान लो सवाल ये होता, केवल सवाल ये होता कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहली रेड है दूसरी रेड है और तीसरी ग्रीन है, तो ये हमारा आंसर आ गया होता, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी 2 रेड और 1 ग्रीन है, तो पता नहीं कौन सी 2 रेड है हमको नहीं मालूम,
अगर केवल सवाल इतना होता कि पहली दूसरी रेड है और तीसरी ग्रीन है तो इसका आंसर ये आ गया होता। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि कोई भी दो रेड है एक ग्रीन है, तो कोई भी दो रेड है तो रेड कोई भी दो हो सकती, तभी तीन केस हमको बनाने पड़े। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पर आ जाए। पहली रेड है तो पहली रेड का मतलब रेड तीन है तो 3c1 और अपॉन 5c1। दूसरी ग्रीन है, अब देखो एक रेड बॉल कम हो गई, अब दूसरी वाली क्या है ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है दो, तो 2c1 और टोटल में से भी एक कम हो गई तो 4c1। अब एक ग्रीन कम हो गई और एक रेड कम हो गई थी, ठीक है। अब रेड कितनी बची, क्योंकि एक रेड कम हो गई थी और एक ग्रीन कम हो गई, अब रेड कितनी बची दो, तो दो में से कोई एक, और टोटल गेंदे कितनी बची तीन, क्योंकि दो गेंदे निकल चुकी हैं, तो 3c1। ठीक है, अच्छा देखो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या हो गया कि पहली रेड दूसरी ग्रीन तीसरी रेड, ये इसका आंसर हुआ है ना। अब अगर मान लो पहली ग्रीन है तो पहली ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है दो और टोटल बॉल कितनी है पांच, क्योंकि देखो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा, बीच में और है, या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा या ऐसा, इसलिए तीनों को आपस में प्लस किया। देखो यहां पर हमने लगाएंगे एडिशन थ्योरम, और इनमें आपस में मल्टीप्लीकेशन, जहां पर और है वहां प्लस, जहां एंड है वहां मल्टीप्लीकेशन, ऐसे आप समझिए। क्योंकि पहली रेड एंड दूसरी रेड एंड तीसरी ग्रीन, तो एंड आया तो मल्टीप्लाई, और इन दोनों में तीनों में आपस में प्लस, क्योंकि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। हम गेंदे कैसे निकाल रहे हैं, 1/1, बस समझे। अच्छा अब देखो तीसरी क्या है बोलो, पहली ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है दो, तो 2c1, टोटल कितनी है 5, 5c1। दूसरी रेड, अब रेड तो तीन ही रहेंगी, टोटल गेंदे कम हो गए क्योंकि आपने ग्रीन को निकाल के बाहर छोड़ दिया, तो रेड उतनी ही रहेंगी, तो क्या हुआ 3c1/4c1। अब क्या हुआ, एक ग्रीन एक रेड कम हो गई, रेड कितनी बची दो और टोटल बॉल कितनी बची तीन, तो 2c1/3c1। देखो ध्यान से देखो, सभी में ऊपर क्या आया, देखो NC1 की वैल्यू होती है N होती है हमेशा, NC1 कितना होता N, तो ऊपर है 3 2 2, नीचे 5 4 3, देखो ऊपर 3 2 2 5 4 3, यहां भी देखो 5 4 3 और 2 2 3, मतलब ऊपर की वैल्यू भी सब में सेम है, नीचे की भी सेम है। तो अगर हम इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो फाइनली प्रोबेबिलिटी का देखो आंसर क्या आएगा, इन तीनों को आपस में प्लस करना होगा, और तीनों चीजें सेम है, देखो ये मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये आंसर और ये आंसर, तीनों आंसर आपस में सेम है, और इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे बोलो, प्लस करेंगे। आपस में क्या करना है, प्लस इन तीनों को, तो तीनों को प्लस करेंगे, तीनों सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हुआ बोलो, 3c1/5c1 into 2c1/4c1 into 2c1/3c1। देखो ये क्या हुआ, 3 into ये क्या हो गया 3/5, क्योंकि NC1 n होता है, ये क्या हो गया 2/4 और ये क्या हो गया 2/3। कुल मिला के देखो आंसर क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आया 3/5। और देखो ये भी जो आंसर है वो क्या है 3/5, जो यहां से आया था वो भी आंसर कितना है 3/5 ही तो है। बहुत इंटरेस्टिंग, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ गया और हमेशा सेम आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझिए समझिए, लिखिए ध्यान से, लिखिए इस बात को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि अगर तुमने गेंदों को एक साथ निकाला या गेंदों को एक एक करके निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी के हर सवाल का आंसर सेम आएगा, हमेशा हमेशा ऐसा होगा हमेशा। हाँ लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि 2 red and 1 green, तब सेम आएगा। अगर ऐसा कहता कि पहली रेड दूसरी रेड तीसरी ग्रीन, तो केवल इतना ही आंसर लेते तो नहीं सेम आएगा, तो फिर इतना आंसर होगा। ऐसे बोल दे कि गेंदों को निकाले और ऐसे बोल दे कि इतनी रेड है इतनी ग्रीन है, तो हमेशा आंसर सेम आएगा, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप गेंदों को एक साथ निकाल रहे हो तो भी आंसर ये है, और अगर आप गेंदों को एक एक करके निकाल लो विदाउट रिप्लेसमेंट, तब भी आंसर देखो ये है। लेकिन ध्यान रखना इसमें देखो, इसे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, इन तीनों के आंसर देखो अपने आप ही सेम आ गए। इसका भी जो आंसर है वही इसका आंसर, वही इसका आंसर है, और तीनों का आपने प्लस कर दिया, करना ही पड़ेगा।
लेकिन वन बाय वन को करने का सही तरीका यही है और एक साथ निकालने के गेंदों को करने का सही तरीका यही है, है ना। लेकिन वो आंसर सेम आएगा, ठीक है, ये बात समझिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर मैं कह दूं वन रेड टू ग्रीन, तब भी दोनों के आंसर सेम आएंगे, बात समझे, बोलो, है ना। तो यहां पर ये बात हमेशा, हाँ, लेकिन अगर वो सवाल ऐसा पूछता कि पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो केवल यही आंसर होता। और एक साथ निकाली गई गेंदों में वो ये सवाल नहीं कहेगा कि पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन, क्योंकि अगर गेंदें एक साथ निकलेंगी तो वहां पर पहली, दूसरी, तीसरी का मतलब नहीं बनता। वो ऐसा ही कहेगा क्या कि कोई दो रेड और एक ग्रीन, ध्यान रखना। अगर गेंदों को एक साथ निकाला जाएगा तो ये सवाल नहीं बनेगा कि पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन, वो सिर्फ इतना कहेगा कोई दो रेड और एक ग्रीन, काम खत्म। अगर गेंदों को एक एक करके निकाला जाएगा तो ये सवाल बनेगा कि पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन होगी तो क्या होगा, तो इसका ही आंसर है। और अगर कह दे कोई दो रेड और एक ग्रीन, तो तीनों केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है भाई, बोलो, बात समझे। देखो थोड़ा मैं सवाल फिर चेंज करता हूं, मैं फिर सवाल को, इसको लिखो जरा ध्यान से, इसको जरा लिखो ध्यान से बेटा, जब तक पानी थोड़ा पी लूं मैं। थोड़ा पानी वानी आप भी पी लो यार तब तक। जल ही जीवन है। चलो भाई आगे बढ़ो। देखो अब जरा मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन को, देखो मैं चेंज करता हूं। देखो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया कि थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, है ना। इसमें देखो मैंने बॉल्स को चेंज कर दिया, रेड है, ग्रीन है और ब्लैक बॉल्स भी ले ली। एक बॉल मैंने ब्लैक ले ली, मान लो बी वन, एक बॉल मैंने ब्लैक ले ली, है ना। थ्री रेड बॉल्स, टू ग्रीन बॉल एंड वन ब्लैक बॉल, क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज किया, वन ब्लैक बॉल, ठीक है। सवाल वही है, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन। देखो पहले मैंने सवाल किया, ये मिटा देता हूं पहले, ठीक है, सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखो थोड़ा मैंने बदला आपको समझाने के लिए। देखो थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन रेड, वन ग्रीन एंड वन ब्लैक, ऐसा क्वेश्चन मिला है। एक रेड है, एक ग्रीन है और एक बॉल ब्लैक है, ठीक है। बॉल्स को बदल दिया, तीन रेड है, दो ग्रीन है, एक ब्लैक है, तो टोटल अब कितनी बॉल्स हो गई, छह। और मैंने कहा तीन गेंदें निकाली गई, एक साथ निकाली गई, है ना, एट रैंडम। एक बॉल रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो देखो अब यहां पर फिर से करते हैं सवाल को, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बोलो, एन ई अपॉन एन एस, समझे, एन ई बाई एन एस हो गया। अब देखो एन एस क्या हो गया, टोटल छह गेंदे हैं, छह में से कोई तीन निकाली गई तो क्या हो जाएगा, सिक्स सी थ्री। सिक्स सी थ्री की वैल्यू क्या होगी, सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, तो क्या हुआ, सिक्स फाइव फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। देखो ये इससे कैंसिल हुआ, सिक्स और सिक्स तो कितना आया, बोलो ट्वेंटी। अब देखो एन ई, एन ई क्या होगा, एन ई का मतलब वन बॉल रेड है, वन ग्रीन है और वन ब्लैक है, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लैक बॉल चाहिए। तो तीन में से एक रेड, दो में से एक ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। मान लो ब्लैक भी, चलो दो कर देते हैं, ब्लैक भी दो कर देते हैं, टू ब्लैक बॉल्स है, मान लीजिए टू ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन, तो
तो यहां भी देखो एनएस को चेंज कर देते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, देखो क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, देखो ध्यान दो। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 7 हो गई। 3 बॉल्स को ड्रॉ किया, एक रेड चाहिए, एक ग्रीन चाहिए, एक ब्लैक चाहिए। अब देखो एनएस, एनएस क्या हो गया, टोटल बॉल्स कितनी है 7, 7 में से 3 चाहिए, तो 7c3 की वैल्यू निकालो, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या हुआ 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, देखो ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, 6, 6, 6 कैंसिल, तो कितना हो गया 35 आंसर आया एनएस, समझे। ठीक है, टोटल बॉल 7 है, 7 में से कोई 3 चाहिए एनएस, कोई 3 बॉल चाहिए, एक रेड एक ग्रीन एक ब्लैक चाहिए। ठीक है, बोलो अब देखो एनई, एनई का मतलब क्या हुआ, एक रेड चाहिए, रेड कितनी है 3, तो 3c1, एक ग्रीन चाहिए तो 2c1 और एक ब्लैक चाहिए तो 2c1, 3 में से एक रेड चाहिए 3c1, एक ग्रीन चाहिए 2c1, एक ब्लैक चाहिए 2c1। देखो ये वैल्यू क्या हो गई 3 × 2 × 2। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है एनई बाई एनएस, तो क्या हुआ बोलो 12 और वाई एन एस क्या है 35, है ना, बोलो ये कितना हो गया 12 हो गया ना 35, ठीक है ना, बोलो ये आया हमारा एन ई वाई एन एस। अच्छा अब देखो अगर मैं यही सवाल 1 by 1 करता, आई ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट करता, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, और फिर यही कहता कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 1 red 1 green 1 black, 3 बॉल्स ड्रॉ किया, 1 by 1 ड्रॉ किया, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया, अब हम चाहते हैं एक रेड हो, एक ग्रीन हो और एक ब्लैक हो, तो देखो समझो, अब देखो रेड ग्रीन ब्लैक 3 बॉल ड्रॉ करनी है, तो हो सकता है पहली रेड हो, दूसरी ग्रीन, तीसरी ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है, बस समझे। अच्छा पहली रेड दूसरी ब्लैक तीसरी ग्रीन भी हो सकती है, पहली ग्रीन ब्लैक रेड भी हो सकती है, ग्रीन रेड ब्लैक भी हो सकती है, फिर देखो ब्लैक रेड ग्रीन भी हो सकती है, ब्लैक ग्रीन रेड भी हो सकती है, देखो 6 केसेस अब बन जाएंगे, कितने केस बन जाएंगे बोलो 6, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ब्लैक ग्रीन, ग्रीन ब्लैक रेड, ग्रीन रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ग्रीन, है ना, ये 6 पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा होगा या ऐसा 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 ऐसा। इसका आंसर क्या होगा, पहली रेड, रेड कितनी है 3, तो 3c1 और टोटल कितनी है 7, तो 3c1/7c1। अब देखो एक ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन कितनी है 2 और एक बॉल आपने बाहर छोड़ दी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ देखो टोटल बॉल कम हो गई, तो ग्रीन कितनी है 2, तो 2c1, टोटल बॉल है 6, तो 6c1। अब एक ब्लैक चाहिए, ब्लैक कितनी है 2, तो 2c1, टोटल बॉल कितनी है 5, 5c1, क्योंकि एक बॉल और कम हो गई, पहले बॉल रेड चाहिए तो रेड है 3, टोटल 7, एक रेड कम हो गई, दूसरी क्या चाहिए बोलो ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है 2 और टोटल कितनी है 6, फिर क्या चाहिए बोलो ब्लैक, ब्लैक कितनी है 2 और टोटल कितनी बची 5। अच्छा देखो इसका आंसर क्या होगा, फिर वही 3c1/7c1 और ब्लैक कितनी है 2, तो 2c1/6c1 और ग्रीन कितनी है 2, तो 2c1/5c1। देखो यहां पर भी वही है, ऊपर देखो क्या आएगा 3, 2, 2, नीचे 7, 6, 5, यहां भी देखो 3, 2, 2, 7, 6, 5, देखो सभी का आंसर यहां भी सेम आएगा। इस वाले का आंसर देखो, पहले ग्रीन चाहिए, ग्रीन कितनी है 2, तो 2c1 और टोटल कितनी है 7, तो 2c1/7c1 और इंटू ब्लैक, ब्लैक कितनी है 2, तो 2c1, टोटल कितने कम हो गई 6c1। अब देखो रेड कितनी है 3, तो 3c1 और टोटल कितने कम हो गई तो 5c1। देखो सब में वही है, सबका आंसर सेम है, इसका भी आंसर वही, इसका भी यही, इसका वही, तो देखो 1, 2, 3, 4 6 केसेस हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के आंसर से, 3/7, 2/6 और 2/5। ठीक है देखो यहां पर क्या हुआ, 6 कैंसिल,
थ्री टू जार देखो 12 by 35, फिर देखो आंसर सेम आ गया, फिर देखो आंसर सेम आ गया। यही बताना चाह रहा था मैं कि ऐसे केस में जब तुम सवाल में चीजों को एक साथ निकालो और एक एक करके निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमेशा आंसर सेम आते हैं। और चाहे तो इसको ऐसे कर लो, चाहे तो इसको ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे कर लो, एक ही बात है। अगर गेंदों को आप विदाउट रिप्लेसमेंट वन बाय वन निकालोगे तो बिल्कुल सवाल को ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे एक साथ निकाला गया हो, क्योंकि दोनों का आंसर हर बार सेम आता है। ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये क्या है एट ए टाइम। लेकिन इसमें अगर ऐसा सवाल हुआ कि पहली रेड दूसरी ग्रीन तीसरी ब्लैक, तो केवल यही आंसर होगा, फिर बाकी सब केसेस नहीं बनेंगे। या ऐसा केस हुआ कि पहली ब्लैक दूसरी ग्रीन तीसरी रेड, तो केवल यही आंसर होगा, बाकी केस नहीं बनेंगे। ऐसा कहे कि कोई एक रेड कोई एक ग्रीन कोई एक ब्लैक, तो आंसर सेम होगा। और अगर ऐसा कह दिया स्पेसिफिक कि नहीं पहली ये दूसरी वो तीसरी ये, तो फिर अकेला ही केस आंसर आएगा, ये इतने केस नहीं बनेंगे, फिर अकेला आंसर आएगा। ये केस क्यों बने, क्योंकि उसने कहा कोई भी एक रेड कोई भी एक ग्रीन और कोई भी एक ब्लैक। समझो ध्यान से, अगर ऐसा कहे कि पहली रेड दूसरी ग्रीन, या ऐसा कहे कि पहली रेड दूसरी ब्लैक तीसरी ग्रीन, तो केवल एक ही केस बनेगा। बस समझे, ठीक है ना? तो ये बात समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हमने ये दो इंपॉर्टेंट केस समझे और दोनों के आंसर सेम, गेंदों को एक साथ निकाला या एक एक करके निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो मैं सवाल को चेंज करता हूं। अब मान लीजिए मैंने बॉल्स यही रखी, थ्री रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल और टू ब्लैक बॉल्स, और मैंने कहा थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन। अब मैंने कर दिया विद रिप्लेसमेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन रेड वन ग्रीन वन ब्लैक। अब मैंने सवाल को चेंज करके कर दिया क्या बोलो, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और एक बॉल रेड चाहिए। देखो सब कुछ वही है, थ्री बॉल रेड अभी भी है, टू ग्रीन है, टू ब्लैक है, ठीक है? एक बॉल रेड चाहिए, एक ग्रीन चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, कोई भी एक रेड कोई भी एक ग्रीन, तो देखो यही केसेस बनेंगे फिर से ऐसे। अब लेकिन ध्यान दो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। देखो जैसे अब देखो क्या होगा, पहले की प्रोबेबिलिटी रेड है तो 3/7, अब अगर पहली बॉल रेड है तो आपने उसका कलर देखा उसको वापस डाल दिया, तो गेंदें कम नहीं हुई, क्योंकि जब आप विद रिप्लेसमेंट करेंगे, ध्यान रखना अब क्या है विद रिप्लेसमेंट, है ना, विद रिप्लेसमेंट, समझो ध्यान से। तो अब हर बार डिब्बे में गेंदें उतनी ही हैं जितनी पहले थी। तो जैसे पहली रेड है तो आपने रेड गेंद निकाली, रेड निकालने के तरीके 3c1/7c1। अच्छा दूसरी ग्रीन है तो अभी भी गेंदें उतनी ही हैं, और ग्रीन बॉल कितनी है दो, लेकिन टोटल गेंदें 7 है, तो 2c1/7c1 समझो। और तीसरी ब्लैक है तो ब्लैक दो है और अभी भी टोटल गेंदें उतनी बची, तो 2c1/7c1, यानी अब टोटल गेंदें हर बार 7 ही हैं, गेंदें कम नहीं हो रही हैं, अब गेंदें जो हैं बेटा वो कम नहीं हो रही हैं। बस समझे ध्यान से, अब गेंदें कम नहीं हो रही हैं। देखो यहां पर भी पहली रेड 3c1/7c1, दूसरी ब्लैक नीचे भी 7c1, और यहां भी देखो 7c1, यहां भी देखो 7c1 7c1 7c1। अब सवाल को हम इस मेथड से करेंगे, अब सवाल को इस मेथड से नहीं कर सकते, ध्यान देना, जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो ये मेथड अब गया, अब आंसर अलग अलग आएंगे, ध्यान देना। देखो सवाल को इस मेथड से करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे, और सभी का देखो फिर आंसर ऊपर क्या है 3 2 2, और नीचे क्या है 7 7 7, क्योंकि देखो NC1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, n होती है। यहां पर भी देखो 3 2 2 7 7 7, यहां भी 2 2 3, मतलब वही बात हो गई ना, 3 2 2 बातें की है, ऊपर एक 3 2 2 और नीचे 7 7, सभी का आंसर फिर सेम आएगा, सभी का आंसर सेम आएगा। और देखो यहां पर 6 केसेस बने हैं, तो 6 से करना होगा मल्टीप्लाई, देखो 6 × एक का आंसर ले लो क्या हो गया 3c1/7c1, 2c1/7c1, 2c1/7c1, तो कितना हुआ 6 × 3/7 2/7 2/7, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ।
बात समझे। अब देखो ये आंसर इससे अलग है, ये आंसर क्या था 12/35, अब आंसर वो नहीं है। तो जब गेंद को आप विद रिप्लेसमेंट निकालोगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बात समझे, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये 6 केसेस बने, हर केस का आंसर सेम आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, हर केस का आंसर हमेशा सेम आएगा यहां पर। अच्छा जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे थे तब भी हर केस का आंसर सेम आ रहा था, हमेशा ऐसा होगा, हर केस का आंसर सेम आता है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो जैसे यहां पर 6 केसेस बने, तो ये केसेस भी आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि तीन चीजें हैं और इन तीन चीजों को हमें अरेंज करना है, तो तीन चीजों के अरेंजमेंट होते हैं 3 factorial, पढ़ा है हम लोगों ने परमुटेशन में। तो तीन देखो आर जी बी तीन चीजें हैं, तो तीन चीजों के जो अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे बोलो 3 factorial की वैल्यू कितनी है बोलो 6। देखो तभी ये 6 cases बने, तो केवल एक केस निकाल लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे सवाल का आंसर आ जाएगा। तीन अलग अलग चीजें हैं ना, तो जब तीन अलग अलग चीजें होती हैं तो उनके अरेंजमेंट होते हैं 3 factorial, ये पढ़ा है हम लोगों ने परम्यूटेशन में, थोड़ा बहुत बता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। एन चीजों को अरेंज करोगे, एन चीजें अगर आपस में अलग अलग हैं तो उनके अरेंजमेंट कितने होते हैं 1 factorial, याद रखो इस बात को अगर नहीं पढ़ा तो, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, उसको पढ़ के आप सीख सकते हैं सारी चीजों को, क्योंकि इतना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग है, तीनों के परम्यूटेशन क्या होंगे बोलो 3 factorial यानी कि 6, याद रखो इस बात को। एन चीजें अगर अलग अलग है तो उनके अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब इनके आपस में अदला बदली, देखो वही हो रहा ना, आर जी बी आर बी जी जी बी आर जी आर बी, तीन चीजें हैं अलग अलग, वो आपस में अपने प्लेस चेंज करते हैं तो बोलते हैं अरेंजमेंट। तो तीन चीजों के टोटल अरेंजमेंट मतलब उनके टोटल स्थान चेंज करने के तरीके कितने होंगे 3 factorial, मतलब 6 आंसर आएगा इसका, हमेशा ऐसा होगा। बस समझे, लिखो जल्दी से इसको। देखो समझो ध्यान से, अब अगर मैं फिर सवाल चेंज, अब देखो ध्यान रखना बेटा विद रिप्लेसमेंट का सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल को ऐसे कर सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट को हमेशा ऐसे ही करना होगा, समझ लो अच्छे से इस बात को, गलती नहीं करना कभी भी। तीन केस बनते हैं हमेशा, एक तो गेंदों को एक साथ निकाला, दूसरा अगर 1/1 निकाला तो दो केस बनते हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मैंने आपको बेसिक में भी समझाई थी बातें, तो इन बातों को हमेशा शुरू से प्रोबेबिलिटी पढ़ो, स्टार्टिंग है। देखो बेटा तीन वीडियो बेसिक के ही मैंने बनाए हैं, उसमें बेसिक आपको समझाया, क्योंकि वो बेसिक की जरूरत हर जगह है हमको, उसके बिना प्रोबेबिलिटी में काम नहीं चलेगा, तो शुरुआत से प्रोबेबिलिटी को पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो जरा मैं क्वेश्चन फिर चेंज करता हूं, पूरा मिटा देते हैं हम इसको, नए सीरीज से एक नया सवाल लिखते हैं। देखो समझो ध्यान से, एक बॉक्स है मान लीजिए, एक बॉक्स में 10 different red balls हैं, 10 अलग अलग red balls हैं, ठीक है, 4 different green balls हैं, ऐसा है, 10 अलग अलग red balls हैं, मतलब रेड बॉल्स कितनी हैं R1, R2 से लेकर R10 तक, 10 अलग अलग रेड बॉल्स हैं, और कुछ ना कहे तब भी आप अलग अलग ही मानना, समझ लो अच्छे से, खाली ये लिख के छोड़ देना 10 red balls तो समझ लेना वो अलग अलग ही हैं, और खाली ये लिख के छोड़ दे 4 green balls तो समझ लेना कि वो अलग अलग ही हैं, समझो बात को ध्यान से, है ना। किताब में अक्सर वो लोग क्या करते हैं, खाली ये लिख के छोड़ देते हैं 10 red balls, बस ये नहीं बताते कि वो अलग अलग हैं या वो सेम हैं, तो उनको अलग अलग ही मानना, अगर वो सेम कहें तो सेम मानना, ऐसा वैसा सवाल कोई है नहीं, सेम बॉल्स वाला कोई सवाल 12th में नहीं है, सब सवाल जो है वो अलग अलग, हाँ IIT में तो खैर कुछ भी आ सकता है, और सेम वाला केस भी मैंने आपको समझाया था, आगे फिर समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 different red balls हैं, 4 different green balls हैं, ऐसा है। क्वेश्चन ये है देखो कि 8 balls
are drawn at random. 8 balls are drawn at random. ठीक है, वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. ये सवाल है. 8 balls are drawn वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. एक एक करके निकाली है विद रिप्लेसमेंट. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 4, 5 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन्स. कि 5 बॉल रेड हैं और 3 ग्रीन हैं. ठीक है, 8 रेड बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हमने ड्रॉ की हैं, एक एक करके विदाउट विद रिप्लेसमेंट, वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट. इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 5 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं. ठीक है, देखो अब 5 रेड हैं और 3 ग्रीन हैं, तो जैसे हो सकता है शुरू की 5 रेड हों और बाद की 3 ग्रीन हों, ऐसा हो सकता है. अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे केस बन सकते हैं. हो सकता है ऐसा हो कि पहली 2 रेड हो, फिर 3 ग्रीन हो, फिर बाद की 3 रेड हो, ऐसा भी हो सकता है. बहुत से केस बन सकते हैं, हर केस का आंसर सेम आएगा. तो एक का आंसर लिख लेते हैं पहले. मान लो इसका आंसर लिखना चाहते हैं, मान लो इसका आंसर लिखते हैं. तो पहली रेड कितनी है, 10, तो 10c1 और टोटल बॉल कितनी है, 14c1. अब देखो अगली भी रेड, अब देखो गेंदे विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो एक गेंद को देखा उसको वापस डाल के दूसरी गेंद निकाल लें, तो गेंदे कम नहीं होंगी, रेड भी उतनी होंगी और टोटल बॉल भी उतनी ही रहेगी हर बार. अब गेंदे कम नहीं होंगी क्योंकि हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. एक गेंद को देखा उसको वापस डाला, फिर दूसरी को निकाला, फिर वापस डाला, फिर तीसरी को निकाला, तो हम क्या कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट, इसलिए गेंदे कम नहीं होंगी. तो देखो रेड बॉल्स उतनी ही रहेगी हमेशा और टोटल बॉल भी उतनी ही रहेंगी. तो देखो सबका आंसर यही आएगा, 10c1 upon 14c1. फिर देखो 10c1 upon 14c1, 5 रेड है ना, 5 का आंसर यही आएगा, 10c1 upon 14c1, 10c1 upon 14c1, 5 का आंसर देखो वही आएगा. अच्छा 3 ग्रीन है, अब ग्रीन कितनी है, 4, तो 4c1 upon 14c1. फिर देखो 4c1 upon 14c1 और 4c1 upon 14c1, चारों का आंसर यही आएगा. ग्रीन सॉरी 3 है ना, हाँ, तो तीनों का आंसर देखो यही आएगा ग्रीन वाली का, और रेड जो है पांचों रेड का आंसर यही आएगा. गेंदे अब कम नहीं होंगी. देखो समझो ये कितना होगा, ये 10 10 10 फाइव टाइम्स आया, तो 10/14 की पावर 5 है ना, और ये 4/14 की पावर 3. 10 10 10 10 फाइव टाइम्स, 14 14 14 फाइव टाइम्स, 4 4 4 3 टाइम्स, 14 14 14 3 टाइम्स. तो क्या हुआ, देखो 10/14 की पावर 5 और 4/14 की पावर 3. देखो ये एक का आंसर हुआ और यही आंसर सभी का आएगा. अब इंपॉर्टेंट ये केसेस कितने बनेंगे वो हम प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, बहुत से केस बनेंगे. तो देखो फिर ध्यान दो, कितने केस बनेंगे, टोटल जो केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, समझो कैसे निकालें. देखो टोटल 8 चीजें हैं, उनमें से 5 एक जैसी हैं, 3 एक जैसी. तो देखो ये भी परम्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर n चीजें हैं उनमें से p एक जैसी है, q एक जैसी है, r एक जैसी है, तो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल. समझो जैसे n चीजें हैं और सभी अलग अलग हैं तो उनके अरेंजमेंट होते हैं n फैक्टोरियल. अगर n चीजें हैं सभी अलग अलग हैं तो n फैक्टोरियल, लेकिन अगर मान लो n चीजें हैं उनमें से p एक जैसी हैं, q एक जैसी हैं, r एक जैसी हैं, तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं. देखो जैसे यहाँ पर टोटल कितनी चीजें हैं, 8, 8 में से 5 एक जैसी, 3 एक जैसी, तो 8 चीजों में 5 एक जैसी, 3 एक जैसी, तो इतने केसेस बन जाएंगे. ध्यान रखो इतने केसेस बन जाएंगे, टोटल 8 चीजें हैं,
आठ में से पांच चीजें एक जैसी हैं, तीन एक जैसी हैं, तो इतने केसेस बनेंगे, है ना, और इसको प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, है ना, तो सभी का आंसर यही आएगा, तो हर एक का आंसर यही आएगा और केस इतने हैं, तो कुल मिला के मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये जो टोटल केसेस हैं, टोटल केसेस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 10/14 की पावर 5 और 4/14 की पावर 3, तो ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये टोटल केसेस हो गए और हर एक केस का ही आंसर है, हर एक केस का देखो ये आंसर है, तो हर एक केस को टोटल केसेस से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने केसेस बनेंगे। अब देखो ये केसेस हम निकाल नहीं सकते, ये जो केसेस हैं, ये केसेस हम जो है ना बेटा ऐसे प्रैक्टिकल करके निकाल नहीं सकते, तो एक केस निकाला और टोटल केसेस से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमेशा जब गेंदे विद रिप्लेसमेंट आएंगी तो सवाल को ऐसे ही करना है, ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस को वैसे कर सकते हैं जैसे गेंदों को एक साथ निकाल दिया गया हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, लिखो जल्दी इसको। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा, गेंदों और डिब्बों वाला सवाल, ये बहुत आएगा, अभी ये बहुत आएगा, पूरे 12th में बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, तो इस सवाल को हम बड़ी आसानी से अब कर लेंगे। पर ध्यान रखना, गेंदे एक एक करके निकाली हैं या एक साथ निकाली हैं, और एक एक करके निकाली तो फिर दो केसेस बनते हैं, सारे आप समझ ही चुके हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।